ये उसको मौका लगा हाथ में और उसका बदला लेने के लिए सबसे पहले बार उसने मुझे जकड़ा और दो चार मुक्के हमारे जैसे उसने मारना शुरू किया, सिद्धार्थ मलैया ने हमको मारना शुरू किया और हमको जमीन पे गिरा दिया, जमीन पे गिराया है और सारे पुलिस वाले इंस्पेक्टर और उनके और ये लोग कोई घूसा मार रहा है, कोई बूट मार रहा है, कोई हमारे पूरे हाथ में पैर में लिटा के यहाँ सीने के ऊपर मुक्के मुक्के मारे। ये जानते हुए मैंने एसपी से कहा, मैं 72 साल का हूँ, ये माने आप ये संस्कार थी अंग्रेजों के अत्याचारों को आप लोग मार दे रहे हैं। और उनको अगर बैरिकेड लगाना भी था, नहीं जाने देना था, तो वो पुलिस स्टेशन के पीछे लगाते। पुलिस स्टेशन एक शासकीय ऑफिस है जिसमें आप देश की जनता के किसी भी नागरिक को 24 घंटे जो सेवारत रहता है उसमें जाने से आप नहीं रोक सकते, ये उसका मौलिक अधिकार है जिसका हनन हुआ है। हम लोग पुलिस चौकी तरफ बढ़े तो वहां डंडे, पुलिस चौकी की तरफ बढ़े तो वहां डंडों से मारा। एक 72 साल के इंसान के ऊपर वो टूट पड़े हैं जिसमें सिद्धार्थ मलैया का पूरा हाथ है, नहीं, उसके साथ में था, वो साथ में था, तो उनको किसने अधिकार दिया कि वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लें? वो कौन होते हैं? ये भी आवाज़ नहीं आ रही।